ट्रेन है वो 9 नंबर पे आएगी। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसी है मेरी प्यारी जनता, आ गए एक और न्यू ब्लॉग में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल HDMI ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बहुत दिन हो गया था हम लोग किसी नए सफर पे नहीं गए, और मथुरा से आने के बाद हम लोग बस रुक ही गए थे। हमने प्लान किया कि एक और नए सफर पे निकलते हैं, करीब 1200 किलोमीटर दूर हमारे दुर्ग से। तो गाइस, कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको हिंट में पता चली जाता है वीडियो में आगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक के, जरूर देखना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, आपका अपना भाई। इतने दिनों बाद हम लोग एक सफर प्लान किए और अभी हम लोग निकले हैं 26 मई को। हमारी ट्रेन आने वाली है करीब 7:40 को, और क्या है कि हमारी ट्रेन लेट भी चल रही है, वरना पहले जो टाइम था वो था 6:30 और 6:40, इतने टाइम पे आ जाती और हम लोग कब का सुबह सुबह चले जाते, लेकिन अभी लेट हो गई है हमारी ट्रेन और वो आने वाली है अब 7:40 को। तो उसके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। स्टेशन में आ गए थे करीब 7 बजे ही, जल्दी ताकि वीडियो बना सके। इतना ज़्यादा स्टेशन में जो आवाज़ रहता है उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो फिलहाल धूप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। तो गाइस, अभी चेंज हुआ है एक छोटा सा। अब जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आने वाली थी, तो वो अब आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। तो हमारे लिए वो कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है, क्योंकि हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में ही बैठे, इधर जाके पकड़ लेंगे ट्रेन को। तो गाइस, अभी हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, वो धीरे धीरे आ रही है। और हमारा जो कोच है वो है S4, तो S6 है, थोड़ा आगे ही हमारा S4 है। तो चलते हैं वहाँ पे अपना बैग शैग लेके। और एक जर्नी में ट्विस्ट है अलग सा, वो तो मैं आपको ट्रेन में चढ़ के बताऊँगा, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, जरूर देखना। तो गाइस, स्लीपर बर्थ है हमारी और ट्रेन ये वाला बोगी है। इस बोगी में हम लोग अपना बैग वैग रख लिए अपने सीट के पास, और ट्रेन दिखाने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं। फिलहाल अभी ट्रेन तो चली रही है, और साथ ही साथ टाइम हो गया खाना खाने का, 10:30 बज रहा है, और यहाँ पे खाना हम लोग घर से लाए हैं। और अभी मैं आपको मिलाता हूँ हमारे परिवार के सदस्य से, जो कि हमारे साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इस बार हमारे सफर में हमारे साथ हमारे दादाजी, मतलब मेरे बाबा। बाबा बताओ, कैसा लग रहा है आपको? है ना? और पापा और मैं तो जाते ही है, लेकिन अब की बार बाबा भी जा रहे हैं अपने काम से। और यहाँ पे हमारा खाना निकल रहा है। कब तक पहुँचेंगे हम लोग जहाँ जा रहे हैं, अभी बताना नहीं है दोस्तों को। कल मॉर्निंग में, मतलब लंबा सफर है रात का, तो ज्यादा लंबा सफर है। खाना पीना हम लोग अपने साथ लेके आए हैं रात का, और अभी का सुबह सुबह था, तो सुबह खवाता भी नहीं है वैसे भी। रोटी, चावल, सैलेड। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पूरा सेटअप कर दिया हम लोग ताकि खाना गिरे ना। पापा हमारे निकाल रहे हैं, मम्मी सुबह सुबह उठ के करीब, हम लोग सुबह कितने बजे उठे पता है? सुबह मम्मी तो 3 बजे उठ गई थी, और मैं तो उठा हूँ 4 बजे आराम से। मम्मी 3 बजे उठ के खाना बनाई है, अप्रिशिएट फॉर माई मदर। और यहाँ पे राइस है, देख सकते हो जीरा राइस। हर बार की तरह पिछले बार हमारे वीडियो में एक जन कमेंट किया था OP जीरा राइस। पिछले बार क्योंकि हम लोग जब मथुरा जा रहे थे तब हम लोग जीरा राइस खा रहे थे, तब OP जीरा राइस करके कोई कमेंट किया था। अब की बार भी कर देना अगर वो देख रहा हो वीडियो तो। सब्जी तो बड़ी टेस्टी लग रही, बहुत देर से भूख भी लग रहा था, सुबह कुछ नहीं खाया ना। तो गाइस, फिलहाल अभी ट्रेन में बैठे बैठे लूडो चल रहे हैं यहाँ पे, और पापा को मैं करीब ना 3 बार हरा चुका हूँ। तीन बार हरा चुका हूँ, फिर भी ये बार बार मेरे साथ मैच कर रहे हैं। 3 बार कैसे मैं बता रहा हूँ, घर में एक बार कल रात को खेले थे, और अभी ट्रेन में बैठे बैठे 2 बार हरा चुका हूँ, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि चैंपियन कौन है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नागपुर। इतने लंबे सफर के बाद मैं तो सो ही गया था, पापा मेरे को नागपुर में उठाए जैसे ही हम लोग पहुँचे। और ये अपनी ट्रेन खड़ी है जो कि अभी पहुंची है, और यहाँ आरओ से अभी हमने पानी भरा है और बाबा को देख के आए। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ बाहर तरफ, ताकि हमें कुछ ठंडा मिल जाए पीने को, जैसे कोल्ड ड्रिंक टाइप का।
मिले तो हम लोग लेके आए, क्योंकि बहुत देर से गर्मी, तो आप जानते हो गर्मी का समय, और गर्मी के समय ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस वजह से हमें कुछ ठंडा चाहिए, तो वही हम लोग लेने जा रहे हैं रिफ्रेशमेंट टाइप का। और बाकी सब तो आपको पता ही है नागपुर शहर के बारे में और अपने नागपुर स्टेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ का व्लॉग भी हम बना चुके हैं और आपने देखा भी होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से हमारा व्लॉग जाके देखो, चैनल पे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन नागपुर के व्लॉग्स आपको दिख जाएंगे, आपको सब कुछ दिखेगा। मैं आपको यहाँ ऊपर में जो आइकन आ रहा होगा उसमें भी दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो हमारा स्टार्टिंग से ट्रिप। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कुछ बता दूँ मैं आपको, हमारी जो ट्रेन है वो पूरी जोधपुर एक्सप्रेस है, जगन्नाथपुरी से चल के आई है, दुर्ग में हम लोग चढ़े थे और जोधपुर तक जाएगी। तो समझ लो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अब थोड़ा आपको अंदाजा लग गया होगा, ये हिंट था हमारा। ये देखिए दोस्तों, ये रोड नहीं है, ये रेलवे ही ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है। पहले इसको मजबूत किया जा रहा है, नीचे से बेस बनाया जा रहा है, उसके बाद फिर उसमें गिट्टी भर के पावरफुल ट्रैक बना देंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग खेल रहे हैं लूडो, शाम का समय भी हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा लूडो गेम चल रहा है। पर ये चार घर क्यों दिख रहे हैं आपको, मैं सभी बताता हूँ। पापा, बाबा और मैं तो खेल ही रहा हूँ, और साथ ही साथ हमें ट्रेन में बहुत ही अच्छे अंकल मिले हैं यहाँ पे। अंकल आपका नाम क्या है, एक बार बता दो सभी को। पवन कुमार। कहाँ से हो आप? राजस्थान से। राजस्थान ही जा रहे हो आप मतलब। तो गाइस यहाँ पे अभी हमारा मैच चल रहा है सबका, ये मेरी बारी है, मैं खेल लूँ पहले। मेरी बस एक गोटी है घर में जाने की, और अंकल की भी, अंकल और मेरा टक्कर है अभी। अबे यार एक आया, अंकल का भी एक आया, बच गया, मेरे को कोई नहीं मारेगा। अब तो आ ही जाना चाहिए दो, बस एक नहीं आना चाहिए। अरे एक आ गया यार, अंकल का तीन, अब घुस जाऊंगा आराम से। अब घुसता हूँ, ये सीधा एक तो आ जाता, छह आ जाता सीधा, मैं अंदर घुस जाता पास से। पापा बाबा सोच रहे क्या हो गया, मैं खेल जीत गया, मैं अरे मैं जीत गया, इसमें तो जीत गया, मेरे को पता था। मैं बोला ना आज सुबह से चार पांच बार हम लोग लूडो खेल चुके हैं। हाँ अंकल की भी एक ही गोटी है। आज सुबह से हम लोग चार पांच बार लूडो खेल चुका हूँ मैं पापा के साथ, पापा को हर बार हराया हूँ। तो गाइस भोपाल रेलवे स्टेशन में अभी हमारी ट्रेन रुकी है पूरी जोधपुर, और यहाँ पे देख सकते हो बाबा को मिली है खिड़की वाली, पूरी ओपन सीट मिलती है हमें ताकि हम लोग अच्छे से ब्लॉगिंग कर सके। और उधर का एक सीट वो ऊपर नीचे का दोनों हमारा है, बीच का और ऊपर का, और बाबा का ये एक सीट है ऊपर का। तो ऐसा कुछ हमारा तीन सीट कंफर्म है रिजर्वेशन का। गाइस ये देखो यार, पापा ने पोहा उठा लाया उस तरफ से, चलो फिर पोहा खाते और खाते और मजा करते एकदम। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है वो भोपाल स्टेशन से अभी छूट चुकी है, और देख सकते हो अभी जो ट्रेन है वो अपना रूट चेंज करेगी। सामने जो रूट है वो है दिल्ली वाला रूट, जहां हम लोग पिछली बार गए थे मथुरा के लिए, लेकिन अब हम लोग इस ट्रेन से उधर नहीं जाने वाले, क्योंकि मथुरा अब पड़ेगा भी नहीं। हम लोग का जो ट्रेन है वो बीच में ही कट जाएगा उस साइड, देखो ट्रेन जो मुड़ रही है ना सामने से,
ये अलग रूट है, ये राजस्थान वाला रूट है। अब आप हमारा हिंट समझ गए होंगे, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ ये भी मैं जल्दी आपको पहुँचने पे बताऊंगा स्टेशन। तो राजस्थान बस अब समझ लो हम लोग राजस्थान जा रहे हैं इतने गर्मी में। तो गाइस गर्मी के टाइम पे हम लोग राजस्थान जा रहे हैं, हालत ख़राब होने वाली है, पूरा तंदूरी बन जाएंगे एकदम। फिर भी वहाँ पे घूमेंगे और आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। किस सिटी में जा रहे हैं वो तो आपको पता चल जाएगा, या तो आपको हिंट भी लग गया होगा कुछ लोगों को, पर आगे हम बता भी देंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं बैठा हूँ खिड़की वाली सीट में और टाइम हो रहा है करीब 9:30 सोने का टाइम है। बाबा हमारे सो गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हो बाबा सोए हैं वहाँ पे। और फिलहाल गाइस अभी हम लोग उज्जैन के अंदर एंटर कर चुके हैं, रेलवे स्टेशन बस पहुँचने वाले, फिर उज्जैन से निकलते समय हम लोग सो जाएंगे बस। तो गाइस रात के करीब टाइम हो रहा है अपना 12:30 के आसपास। मैं जगा हुआ हूँ क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा सो गया था। और अभी हमारी गाड़ी का इंजन चेंज हुआ है, पहले गाड़ी ऐसी इसी रूट से स्टेशन में गई और स्टेशन में आगे वाला इंजन अब वापस से इस तरफ लग चुका है। अब हमारी गाड़ी राजस्थान वाले रूट पे जा रही है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस सफ़र में करीब 4 से 5 बार तो इंजन चेंज होता ही है गाड़ी का। जो राजस्थान का सफ़र है उसमें सवाई माधोपुर होते हुए जाएगी ये गाड़ी, तो कई बार बड़े बड़े स्टेशन में इस गाड़ी का इंजन चेंज होगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारी जो ट्रेन है वो रुकी है दुर्गापुरा स्टेशन में और सुबह तो हो ही चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हो। रात को मैं सो गया था करीब 2-3 बजे तक सो गया था, क्योंकि दोपहर को मैं बहुत सोया इसलिए मैं थोड़ा रात को जगा और उसके बाद सो गया। फिर आराम से तान के अभी उठा हूँ और टाइम हो रहा है अभी 6:30। तो हमारी ट्रेन जो है दुर्गापुरा स्टेशन में रुकी है और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो होने वाली है, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं पिंक सिटी मतलब जयपुर राजस्थान। राजस्थान के अंदर तो हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है लेकिन अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं थे जयपुर हमारे डेस्टिनेशन तक। बस ये एक स्टेशन पार करने के बाद हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे। तो उतरते हैं जयपुर स्टेशन में और फिर उसके बाद ब्लॉग को एंड भी करना है, पूरा देखना लेकिन, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस बाबा देखो बैठे हैं यहाँ पे, अभी सिग्नल नहीं हुआ इसलिए मैं उतर गया हूँ। कैसा लग रहा है बाबा? आप तो बहुत बार आए बाबा को ट्रेन का ड्राइवर मजा आ गया, आप तो हर बार आते हो। 3 बजे जो है कोटा से एकदम जो है एकदम 1.5 घंटे को साला राइट टाइम कर दिया। जो हमारी ट्रेन थी 1.5 घंटा लेट वो अब राइट टाइम हो चुकी है। यही बात जयपुर तो कब तक पहुंच जाएंगे? 10 मिनट बस। ये जो बस्ती आप देख सकते हो पूरी जयपुर की बाहर की ही बस्ती है, अभी हम लोग जयपुर के अंदर ही पहुंच गए समझ लो ये स्टेशन। तो अब गाइस जयपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ ही समय में हम लोग पहुँच जाएंगे, ट्रेन हमारी छूट भी चुकी है। तो गाइस अब टाइम हो चुका है ट्रेन को बाय बाय करने का। और यहाँ पे देखो पापा अब टी शर्ट पहन रहे, पूरे रास्ते ऐसे ही आए हैं क्योंकि गर्मी बहुत था रास्ते में। और अपन तो गाइस देखो ट्रेन मुड़ रही है, ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तो सब जान रहे ट्रेन मुड़ती है। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर, करीब 6:51 टाइमिंग है इसका यहाँ पे आने का। तो गाड़ी हमारी देख सकते हो पीछे खड़ी है, कुछ ही देर में छूट भी जाएगी। और अभी हमें जयपुर आके क्या करना है आप तो जानते हो, फुल वीडियो बनाएंगे, पूरा जयपुर आपको घुमाएंगे और मैं खुद भी घूमूंगा, मज़ा आने वाला है जयपुर में घूमने में। तो गाइस बने रहिएगा, हमारे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखना और इस वीडियो को भी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बहुत मेहनत लगी है ट्रेन में, एकदम हालत बेकार हो गई है। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स में, तो अभी के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।